नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। इसी तरह के मुख्य समाचार और ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस अपडेट, कोरोना के नए मामलों में 12% की कमी। पिछले 24 घंटों में आए 2,51,000 नए मामले, वहीं 627 लोगों की गई जान। दोस्तों देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,51,209 नए केस सामने आए हैं, वहीं 627 लोगों की जान चली गई है। वहीं देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब बढ़कर 15.88% हो गया है। वहीं बड़ी बात यह है कि देश में आजकल से 12% कम मामले आए हैं। वहीं दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,05,611 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,92,327 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 3,47,443 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,80,24,771 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। ट्राई का आदेश, 28 नहीं ग्राहकों को दे पूरी 30 दिन वैधता वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान। दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने ग्राहकों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। ट्राई ने हाल ही में टेलीकॉम टैरिफ आदेश जारी किया है, जहां टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 28 दिन की जगह 30 दिन वाले वैधता वाले रिचार्ज प्लानों को पेश करने का आदेश दिया है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई के नए आदेश के तहत 30 दिन की वैधता वाले प्लान को नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिनों के भीतर पेश करना होगा। दोस्तों ट्राई के नए आदेश के मुताबिक हर टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऐसा पेश करना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 28 दिन की जगह पूरे 30 दिन की हो। व्हाट्सएप में आया नया फीचर, अब बढ़ जाएगी ग्रुप एडमिन की पावर, जब चाहे डिलीट कर सकेगा ग्रुप से किसी का भी मैसेज। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और इसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर किसी ग्रुप के एडमिन हैं, तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप एक कमाल की ताकत देने वाला है। कंपनी ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिसके तहत आप जब चाहे ग्रुप से किसी भी मेंबर के मैसेज को डिलीट कर सकते हैं और इस फीचर की टेस्टिंग जोरों पर चल रही है और बहुत जल्द इसे रिलीज किया जाएगा। अब हिंदी या इंग्लिश में पढ़े बजट अपने मोबाइल पर, सरकार ने लॉन्च किया ऐप। दोस्तों देश का बजट 1 फरवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी की सुबह 11 बजे बजट पेश करेगी। इस बजट को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार ने पहल की है। सामान्य जनता को बजट की जानकारी आसानी से मुहैया कराने के लिए सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप पर दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी में पूरा बजट देख पाने की सुविधा होगी। इसके बारे में कल ट्वीट करके जानकारी साझा की गई है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को ट्रायल के लिए मिली मंजूरी, बूस्टर डोज के तौर पर होगी इस्तेमाल। दोस्तों ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर किया जाएगा। फिलहाल इसका ट्रायल 900 लोगों पर किया जाएगा। वहीं दोस्तों इस वैक्सीन के तीसरे डोज का ट्रायल होगा। वहीं कंपनी ने करीब 3 हफ्ते पहले TCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को ट्रायल के लिए डेटा भेजा था। कहा जा रहा है कि नाक के जरिए दी जाने वाली इस वैक्सीन से ओमिक्रॉन के खिलाफ बचाव में लोगों को मदद मिलेगी। वहीं ये भी जा रहा है कि भारत बायोटेक ने उसकी नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं दोस्तों बूस्टर डोज उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने पहले कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन ले रखी है। जियो की 5G स्पीड 4G के मुकाबले 8 गुना होगी तेज, जानिए कितने MBPS की मिलेगी डाउनलोडिंग स्पीड। दोस्तों दूरसंचार विभाग ने ऐलान किया है कि रिलायंस जियो पहले चरण में भारत के 13 मेट्रो सिटी में 5G सर्विस रोल आउट करेगी। साथ ही जियो की माने तो कंपनी भारत के करीब 1000 शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। वहीं दोस्तों 91 मोबाइल्स की रिपोर्ट के मुताबिक जियो 5G नेटवर्क पर हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसकी अधिकतम डाउनलोडिंग स्पीड 420 MBPS होगी, जबकि अधिकतम अपलोडिंग स्पीड 412 MBPS रहेगी। वहीं अगर जियो की 4G स्पीड से तुलना करें तो जियो 5G की डाउनलोडिंग स्पीड 4G के मुकाबले 8 गुना ज्यादा होगी, वहीं अपलोडिंग स्पीड 4G के मुकाबले 15 गुना ज्यादा होगी। SBI के ग्राहक अब खुद कर सकेंगे अपना डेबिट कार्ड पिन जनरेट, बस करना होगा उन्हें ये छोटा सा काम। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए तरह तरह की सुविधाएं लेकर आता है। ऐसी ही एक नई स्कीम SBI अपने कस्टमर के लिए लेकर आया है, जिससे ग्राहक बिना किसी परेशानी के अपना नया पिन जनरेट कर सकेंगे। इस सुविधा के लिए दोस्तों ग्राहकों को केवल एक फोन कॉल के जरिए अपना पिन मिल जाएगा। इस सुविधा की खास बात यह है कि कॉल के जरिए ग्राहकों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ साथ अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी पिन मिल सकता है। वहीं बैंक ने इस सुविधा की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से जरिए साझा की है। वहीं दोस्तों इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा।
आ रही है पैन आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख, घर बैठे कर रही है काम। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी थी। दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड 31 मार्च तक लिंक नहीं हुआ तो इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वहीं SBI ने अपने सभी खाता धारकों को पैन आधार लिंक कराने के बारे में अलर्ट जारी किया है। अगर 31 मार्च 2022 से पहले पैन और आधार लिंक नहीं करवाया तो ग्राहकों की बैंकिंग सर्विस सस्पेंड हो सकती है। PMC बैंक के स्मॉल डिपॉजिट्स के लिए अच्छी खबर, अकाउंट से निकाल सकते हैं इतनी रकम। दोस्तों, हाल ही में संकटग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC बैंक का अधिग्रहण करने वाली यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा है कि PMC के 5 लाख रुपए तक के छोटे डिपॉजिटर अपना पूरा पैसा अभी निकाल सकते हैं। वहीं इसके अलावा USBI ने कहा है कि जमाकर्ता अपने डिपॉजिट की नए बैंक में रख सकते हैं जिस पर उन्हें वार्षिक 7% का ब्याज मिलेगा। दिल्ली सरकार स्कूलों में लगाएगी 20,000 स्मार्ट बोर्ड, सिसोदिया ने कहा सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करेंगे। दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा है कि उनकी सरकार सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार 20,000 से अधिक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगाने की योजना बना रही है। वहीं स्मार्ट बोर्ड को आधुनिक कैमरे से जोड़ा जाएगा जिससे क्लासरूम को रिकॉर्ड किया जा सके। इस प्रक्रिया से शिक्षक और छात्र दोनों को मदद मिलेगी। दिल्ली में ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट से जुड़ी बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार ने लिया ये फैसला। दोस्तों, दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना वायरस के चलते सस्पेंड हुई ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट को अब फिर से शुरू किया जा रहा है, ये जानकारी परिवहन विभाग ने दी है। वहीं परिवहन विभाग ने कहा है कि नियमों में ढील के बाद ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट से संबंधित गतिविधियों को फिर से शुरू किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बड़ी धीमी, पिछले 24 घंटों में सामने आए 4,044 पॉजिटिव मामले। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है जिससे हालत भी सुधर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हालत काबू में है। वहीं आखिरी 24 घंटों में दिल्ली में 4,044 नए पॉजिटिविटी सामने आई है जबकि 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं शहर में अब कोरोना के 29,152 सक्रिय मामले हैं। वहीं दिल्ली में अब पॉजिटिविटी दर 8.60% है जबकि 8,042 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में जनवरी महीने में अब तक 637 मरीजों की जान चली गई है। वहीं तीसरी लहर में दिल्ली में 13 जनवरी को सबसे ज्यादा यानी 28,867 कोरोना के मामले सामने आए थे। वहीं 14 और 15 जनवरी को सबसे ज्यादा संक्रमण दर दर्ज की गई थी जो कि 30.64% है। वेदर अपडेट, भारत के इन 5 राज्यों में आएगी भारी बारिश, वहीं इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान 29 और 30 जनवरी को पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश संभव है और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में तटीय तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी। वहीं दोस्तों, उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में 24 घंटे में हल्की बारिश हो सकती है।